हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और इसके तहत हमने आपको 3 वीडियो अभी तक प्रोवाइड किए हैं। ये चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है, जिसमें आपको हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्द बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी और बचेंगे तो हम वो भी अगली श्रृंखला में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हम पेपर एनालिसिस करते आए हैं, उस तरीके से हम इस श्रृंखला का भी, यानी कि वर्तनी शुद्धि का भी पेपर एनालिसिस करेंगे। यानी कि जो समीक्षा अधिकारी के जो पेपर आए हुए हैं पिछले वर्षों के, प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के, दोनों के हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही ये भी देखेंगे कि जो है सिर्फ शब्द पूछे गए हैं या कुछ वाक्य भी पूछे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य भी पूछे जाते हैं। 4 वाक्य दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो ये भी देखना होता है, तो उस पर भी हम पूरी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वो उस वाक्य को मिलाना होता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो वीडियो हमारे साथ देखना, आपको पूरा देखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना। मैं बार बार यही कहूंगा, ठीक है, आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग हमेशा करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आप परीक्षा में तभी प्रश्न सही कर पाएंगे जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे हिसाब से आप तैयारी नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव को आप अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और फिर जब परीक्षा में आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, स्कोर आपका अच्छा नहीं होगा, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फिर आप यही सोचेंगे, काश मैंने सर की बात मान ली होती और मैं उनके साथ पढ़ लिया होता। ठीक है, 7-8 मिनट का समय ज्यादा नहीं होता है, मेरे साथ पूरा वीडियो देख लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, हो सके तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए। यानी कि पूरी तरीके से आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाए, यानी कि मतलब आपको सपने में भी अगर प्रश्न वो याद आ जाए, दिखाई दे जाए, तो आप उसको तुरंत सही कर दें। ठीक है, इसलिए आप हकीकत में तो आराम से कर ही सकते हैं, परीक्षा में आराम से आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर मैंने अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है साप्ताहिक। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इसका होता है साप्ताहिक। साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। मानवीय क्या होगा? मानवीय, मानवीय नहीं होता है, मानवीय होता है। ठीक है, अनेकों का क्या? अनेकों कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब है अनेक। ठीक है, जैसे पूछा था श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक कोई शब्द है ही नहीं। शब्द कैसा है? ये गलत शब्द है। ठीक है, सैन्य समूह को क्या कहेंगे? सैन्य समूह नहीं बल्कि इसको हम सेना कहते हैं, यानी कि जो सैन्य दल होता है उस समूह को हम क्या कहेंगे? सेना कहते हैं। ठीक है, चांद का शुद्ध शब्द क्या होगा? यहाँ पर चंद्रमा दिया है, चांद। ठीक है, अस्पष्टता का क्या होगा? अस्पष्टता। ठीक है, ये वाला आधा सा बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अनुसंगिक का क्या होगा? यहां पर भी एक साथ जो है वो गलत बना हुआ है और ये हो जाएगा अनु संगिक। ठीक है, ये वाला सा नहीं बनेगा, ये वाला सा बनेगा। ठीक है, सुषमा का शुद्ध शब्द क्या होगा? सुषमा। ठीक है, पुरस्कार का शुद्ध शब्द क्या होगा? पुरस्कार। ठीक है, और अभ्यस्त का क्या होगा? अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है। ठीक, आगे देखते हैं, एकत्रित कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है एकत्र, एकत्र। ठीक है, और प्रफुल्लित कोई शब्द नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। ठीक है, उत्तरदायी शब्द गलत लिखा हुआ है, इसका सही कर लेते हैं, उत्तरदायी। ठीक है, ये होगा उत्तरदायी, यहां पर ये होगा। ठीक है, प्रत्येक गलत लिखा हुआ है, तो प्रत्येक कैसे लिखा जाएगा आपको पता ही होगा, प्रत्येक इस तरह लिखा जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, प्रतिवादी नहीं होगा, प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी। ठीक है, दायां पर ये बड़ा होगा। ठीक है, अंतर्गत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आधा नहीं बनेगा बल्कि आ के ऊपर ये छोटी बिंदी आएगी, अंक की बिंदी। ठीक है, अंतर्गत होता है, विराजमान नहीं होता है, ये होता है विराजमान, विराजमान। ठीक है, प्रतिनिधि नहीं होता है, ये होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, प्ररोहण नहीं होता है, प्ररोह होता है,
प्ररोह, ठीक है, और प्रेरणा नहीं होता है, होती है प्रेरणा, प्रेरणा ठीक है, मोटिवेशन को बोलते हैं प्रेरणा। अगला है ये राजनीत नहीं होता है, होती है राजनीत, राजनीत ठीक है। प्रायोजन नहीं होता है, होता है प्रयोजन, प्रयोजन ठीक है। अगला नारकीय नहीं, नारकीय होता है यानी कि का पर बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा थी तो यह है नारकीय ठीक है। अगला है दिग्भ्रांत, तो ये हो जाएगा आधा गा बनेगा यहाँ पर और हो जाएगा ये दिग्भ्रांत हो जाएगा ठीक है। कृपा गर्त लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा जाएगा कृपा ठीक है। अगला है क्लेश, तो ये इस तरह लिखा जाएगा क्लेश होता है ठीक है। कृत्रिम गर्त लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कृत्रिम ठीक है। प्रतिच्छाया ये होगी प्रतिच्छाया ठीक है, यहाँ पर तापर बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा आएगी। और क्यारी नहीं होता, ये आधा का बनेगा, ये होता है क्यारी जिसमें कि पेड़ पौधे फूल वगैरह लगे होते हैं। और शीर्षक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो शीर्षक हो जाएगा आपका इस तरीके से ठीक है। तो ये थी हमारी चौथी श्रृंखला वर्धनी शुद्धि की ठीक है। तो मुझे लगता है काफी कलेक्शन आपके पास हो गया होगा, लेकिन आप उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो ठीक है। हमारी यही कोशिश है, यही आपके लिए कामना है और हम पूरी मेहनत करते हैं। जितने भी शब्द हैं, मतलब कोई भी सिंपल शब्द नहीं है, कई जगहों से मैंने, कई किताबों से, कई मैगजीन से, कई नोट से मैंने इकट्ठा किया है मटेरियल और आपके लिए करके आए हैं। इसलिए इसको कायदे से पढ़िए, अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा ठीक है। और मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।